सच में होने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध भारत में मौजूद एक ऐसी रहस्यमय पुस्तक जिसमें लिखा है दुनिया का महाविनाश होने का समय। यह पुस्तक बताती है कि हम एक महाविनाश के कितने करीब हैं। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय पुस्तक और भविष्यवाणी करने वाले भविष्यकर्ताओं के बारे में, जिन्होंने दुनिया के महाविनाश के बारे में पहले ही अपनी पुस्तकों में यह वर्णित कर रखा है कि दुनिया का विनाश कब और कैसी स्थिति में होगा। चलिए जानते हैं भारत के भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता के बारे में। संत अच्युतानंद, इनका जन्म 1480 से 1505 के बीच में ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नामक एक गांव में हुआ था। संत अच्युतानंद दास भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से भविष्य को लेकर भविष्य मलिका पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में बताया गया है के 2024 से लेकर 2029 तक यह 6 साल भारत के लिए बहुत ही भयानक और कष्टकारी साबित होंगे। इन 6 सालों में महाप्रलय, नरसंहार, विश्व युद्ध आदि की योग बन सकते हैं। संत अच्युतानंद दास के अनुसार यह वह समय होगा जब धरती 3 चरणों से गुजर रही होगी। पहले युग कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा एक नया युग आएगा। जिस वक्त शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे और साल 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से किसान खेती बंद कर देंगे, जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साल 2024 में धरती की धुरी बदलेगी जिससे एक बाद एक कई भूकंप आएंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 के बाद का वक्त बहुत बुरा होगा। इस समय वही लोग बचेंगे जो धर्म और सच के रास्ते पर चलेंगे। आसमान में 2 सूरज निकले दिखाई देंगे। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि हाल ही में कोलंबिया के एक गांव में अचानक एक साथ 2 सूरज नजर आए जिसे देख लोग हैरान थे। इनमें एक सूर्य और दूसरा आकाशी पिंड होगा। ये पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और समस्त ओडिशा को जलमग्न कर देगा। भविष्य मलिका में बताया गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी तरफ विश्वयुद्ध की शुरुआत शनि के मीन राशि में प्रवेश करने पर होगी। भविष्यवाणी के मुताबिक लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और भविष्य मलिका पुस्तक में लिखा है कि चीन और 57 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे और एक महाप्रलयकारी भयंकर युद्ध होगा जिसमें रूस भारत की सहायता करेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार यह युद्ध रामायण और महाभारत से भी अधिक भयानक प्रलयकारी होगा। ऐसा बताया गया है कि इस युद्ध की शुरुआत 2024 से लेकर 2029 के मध्य कभी भी हो सकती है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार यही वह समय होगा जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और इस महाभयंकर प्रलयकारी युद्ध में अपने भक्तों की सहायता करेंगे। धरती पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 7 दिन अंधेरा रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि संत अच्युतानंद के द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य साबित होगी? सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।